नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकमल और आप देख रहे हो इंडियन ऑटोबाइक। तो आज हम बात करने वाले हैं हीरो एक्स पल्स 200 4V के बारे में, जो कि न्यू अपडेट होके ये आ गया है शोरूम में। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ये जो कितने वेरिएंट में आती है और कितने कलर में आती है। तो सबसे पहले हम इसके वेरिएंट की हम बात करेंगे। तो इसमें दो वेरिएंट आपको मिल जाएंगे, जो कि एक प्रो वेरिएंट मिल जाएंगे और दूसरा जो है स्टैंडर्ड वेरिएंट मिल जाएंगे। ये जो बाइक आप देख रहे हो, ये यहाँ पर स्टैंडर्ड वेरिएंट में मौजूद है। बाकी हम बात कर लेते हैं ये बाइक किस लिए लेने का पर्पस हम बात करते हैं। तो ये बाइक आप ऑफ रोडिंग के लिए आप ले सकते हो, आप रोडिंग प्रेजेंस में भी आप इसे ले सकते हो। बाकी इसके हम कलर की बात कर लें तो ये जो है आप टेक्नो ब्लू में देख रहे हो। बाकी इसके जो चार कलर ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा ये बाइक। और यहाँ पर पुराने वाले भी बाइक लगे हुए हैं, तो इसमें जो नए अपडेट आए हैं वो मैं बताऊंगा और पुराने वाले में क्या जो नए अपडेट में आए हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसका 360 व्यू आपको इस बाइक का दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कितना काफ़ी सुंदर लग रहा बाइक, स्पोर्टी लुक दे दिया गया, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखने में लगता है बाइक। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल में आपको क्या अपडेट होकर मिल जाता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसके हेडलाइट के बारे में, जो कि इसमें आपको अपडेट होकर मिल जाते हैं। इसमें आपको DRLs मिल जाते हैं, वही पुराने वाले में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पुराने वाले भी वर्जन मौजूद है, तो पुराने वाले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। पुराने वाले में इसमें आपको DRLs नहीं मिलेंगे, बाकी हेडलाइट जो इसमें भी आपको LED में मिल जाएगा। वहीं हम चलते हैं इसमें आपको और क्या क्या मिलता है। यहाँ पर आपको DRLs मिल जाएंगे, जो कि H शेप में आप देख सकते हो, ये H शेप में मिल जाएगा। यहाँ पर आप सेंटर में आप देख सकते हो H का 3D लोगो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप LED मिल जाएगा प्रोजेक्टर में। ये आपको रिफ्लेक्टर में मिल जाएगा, जो कि सारे LED में ही देखने को मिल जाएंगे। ऊपर में आप इसका देख सकते हो, ये हो गया इसका विंडशील्ड हो गया, जो कि पिछले बाइक के मुकाबले इसमें काफ़ी बड़ा कर दिया गया। यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगवा सकते हो। बाकी इसके हम इंडिकेटर की हम बात कर ले, तो इसमें इंडिकेटर आपको हैलोजन में ही देखने को मिलेगा, इसमें आपको कोई भी LED नहीं मिलेगा। बाकी आ जाते हैं इसके हम मेडिगार्ड पर, तो ये अप वाला मेडिगार्ड हो गया और ये नीचे वाला मेडिगार्ड हो गया। अब हम बात करेंगे इसके सस्पेंशन और टायर और ब्रेक के बारे में बात कर लेंगे इस बाइक के। तो इसके सस्पेंशन के बारे में बात करने से पहले हम देख लेते हैं हैंडल पर, ये जो आप नकल गार्ड देख रहे हो, ये पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा कर दिया गया। पहले इसमें अटैच नहीं आता था, अब इसमें अटैच कर दिया गया हैंडल में। और ये मिरर भी देख सकते हो आप, टेक्नो ब्लू कलर में यहाँ पर ये बदलाव किए गए हैं। पहले इसमें एक ही कलर का आता था, अब इसमें टेक्नो ब्लू कलर कर दिया गया है। तो इसके अब हम सस्पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आप सस्पेंशन देख रहे हो, इसकी साइज़ की हम बात कर लें तो ये 250 mm फुल्ली एडजस्टेबल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि इसमें आपको यहाँ पर सस्पेंसर पर ही आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, जो कि दोनों साइड मिलेगा। यहाँ पर जो ये आपको इसमें आपको रबर गार्ड मिल जाएगा, जो कि डस्ट वस्ट इसमें अंदर नहीं जाए, इसलिए इसमें अटैच कर दिया गया है ये रबर गार्ड, आप देख सकते हो। वहीं हम इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको सिंगल चैनल ABS दे दिया गया है। ब्रेक इसमें आपको डिस्क ब्रेक दे दिया गया है। वहीं हम इसकी हम साइज़ की हम बात कर लें तो 276 mm इसका जो है साइज़ हो गया। वहीं इसमें कैलिपर टाइप की हम बात कर लें तो इसमें आपको डुअल पिस्टन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ABS का बैजिंग आपको स्टिकर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं व्हील टाइप की हम बात कर लें तो इसमें आपको स्पोक देखने को मिल जाएगा। व्हील साइज़ की हम बात कर लें तो 21 इंच का इसमें आपको व्हील साइज़ इसमें आपको मिल जाएगा। वहीं फ्रंट टायर साइज़ की हम बात कर लें तो फ्रंट टायर आपको इसमें 90 बाय 91 का इसमें आपको फ्रंट टायर देखने को मिल जाएगा। वहीं इसमें आपको ट्यूबलेस नहीं, ट्यूब वाला टायर मिलेगा। बाकी आप देख सकते हो C8 का इसमें आपको टायर दे दिया गया है। इसके अब रियर सस्पेंशन की बात कर ले तो रियर सस्पेंशन पर आ जाते हैं। तो रियर सस्पेंशन आप इसमें देख सकते हो रेड कलर में दे दिया गया। वहीं हम बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की, जो कि 220 mm का इसमें मोनोसॉक्स रिजर्व रियर सस्पेंशन इसमें आपको मिल जाता है। वहीं हम बात कर लेते हैं इसकी ब्रेक की,
आगे हम इसके रियर ब्रेक की हम बात कर लें तो इसमें भी आपको डिस्क मिल जाता है। कैलिपर टाइप के हम बात कर लें तो इसमें सिंगल पिस्टन आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं इसकी साइज़ की हम बात कर लें तो इसमें आपको 220 mm का इसमें डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाएगा। कैलिपर टाइप इसमें हम बात कर लें तो इसमें भी आपको डुअल पिस्टन देखने को मिल जाएगा। वहीं हम इसकी व्हील साइज़ की हम बात कर लें तो 18 इंचेज का इसमें व्हील आपको मिल जाता है। वहीं इसकी रियर टायर साइज़ की हम बात कर लें तो वह 120x80x18 इंच का इसमें आपको रियर टायर देखने को मिल जाएगा, जो कि इसमें भी आपको ट्यूब वाला ही टायर देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको कोई ट्यूबलेस टायर नहीं मिलेगा। सीएट का ब्रांडिंग देख सकते हो, इसमें आपको सीएट का टायर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये रहा कुछ पीछे का देख सकते हो नज़ारा, और ये कुछ आपका फ्रंट का सस्पेंशन का नज़ारा हो गया। एक्सपल्स 204V के मीटर कंसोल की हम बात कर लें तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। इस तरह का कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये कुछ इसका हैंडल बार हो गया, आप देख सकते हो इस तरह का हैंडल बार हो गया। तो सबसे पहले मीटर कंसोल की हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपको इग्निशन की हम ऑन करते हैं तो देख सकते हैं इसका कुछ इस तरह का आपको मीटर कंसोल आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं, यहाँ पर आपको साइड स्टैंड का इंडिकेटर मिल जाएगा। ये आपका रिजर्व फ्यूल का इंडिकेटर होगा। यहीं पर आपको हाई बीम का इंडिकेटर मिल जाता है। ये आपका न्यूट्रल का इंडिकेटर हो गया। बाकी ये एवीएस का इंडिकेटर होगा, ये हो गया लेफ्ट राइट इंडिकेटर हो गया, ये हो गया आपका माल फंक्शन इंडिकेटर हो गया, ये आपका हो गया टैकोमीटर हो गया, ये हो गया आपका स्पीडोमीटर हो गया, ये हो गया आपका ऑडोमीटर हो गया, ये हो गया टाइम हो गया, ये हो गया आपका गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर हो गया। यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर हो गया, ये फ्यूल गेज मिल जाएगा यहाँ पर आपको। ये हो गया आपका ट्रिप हो गया, ट्रिप में आपको एवरेज टाइम डेट सब शो करेंगे। ट्रिप वन ट्रिप टू इसी में मिलता है, ट्रिप टू ये आप देख सकते हो। अब यहीं सब मेन्यू से चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें आपको मोबाइल से आप कनेक्ट करके इसमें आपको कॉल अलर्ट SMS अलर्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। वहीं इसमें आपको GPS नेविगेशन सिस्टम भी इसमें आपको मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके इको मोड, तो इसमें आपको इको मोड भी मिल जाता है। वहीं हम बात कर लेते हैं इसकी एवरेज, इसमें आपको एवरेज भी देखने को मिल जाएगा, एवरेज कितना निकाल के देती है ये बाइक। और उसमें हम बात कर लेते हैं AVS मोड, इसमें आपको AVS मोड भी दे दिया गया, जो कि इसमें आपको तीन मोड दे दिया गया, रोड मोड, ऑफ रोड मोड और रैली मोड। तीनों मोड आप यहां से आप चेंज कर सकते हो AVS में। तो ये हो गया आपका मेन्यू बटन, ये हो गया सेटिंग का बटन हो गया। तो ये कुछ था इसका मीटर कंसोल हो गया। नीचे आपको यहाँ पर एक USB चार्जिंग सॉकेट दे दिया गया है, जो कि आप फ़ोन अपना चार्ज कर सकते हो। ये कुछ इसका की हो गया, ये बाइक का की हो गया, जो कि आप देख सकते हो सिंपल सा इसमें की दे दिया गया है। इसमें आपको हीरो का स्टिकर सेंटर में आपको मिल जाता है। चाबी इसका लगा देते हैं तो आप देख सकते हैं इसका हैंडल बार। हैंडल बार के बारे में भी मैं कुछ देर बता देता हूँ, इसके स्विच के बारे में बता देता हूँ। ये कुछ पहले हो गया इसका मिरर हो गया, जो आप देख सकते हो ये हो गया। अगर नकल गार्ड में यहाँ चेंजेज किए गए, पहले जो इसमें अटैच नहीं आता था, ये हो गया इसका ब्रेक लीवर हो गया, ये ब्रेक फ्यूल ऑयल हो गया। यहाँ पर दूसरे साइड आ जाते हैं तो ये भी मिरर देख सकते हो, ये हो गया नकल गार्ड, ये हो गया क्लच हो गया इसका। यहाँ पर आ जाते हैं इसके ग्रिप्स की, तो ग्रिप्स भी इसमें काफ़ी अच्छे दे दिए गए हैं। इसमें हो गया ये पास का बटन हो गया, ये हो गया आपका DRL का बटन, ये हाई बीम लो बीम का बटन हो गया, ये हो गया लेफ्ट राइट का बटन हो गया, ये आपका हॉर्न बटन हो गया। बाकी आपको इसमें आपको ये किल स्विच मिल जाते हैं और स्टार्ट ऑफ इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था इसका कुछ फ्रंट का नज़ारा, जिसमें आपको डिजिटल मीटर इसमें आपको दे दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो मैंने बताया ना अभी तक, इस बाइक में आपको ग्राउंड क्लियरेंस, भाई साहब 217 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वहीं हम इसकी व्हील बेस की हम बात करें तो वो 1400 का इसमें आपको व्हील बेस आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं हम अब इसके हम इंजन की हम बात कर लें तो इसमें इंजन परफॉर्मेंस की हम बात कर लें तो इसमें OBD2 का इसमें इंजन दे दिया गया है। E24V इंजन इसमें अपडेट करके इसमें आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 199.6 cc का सिंगल सिलेंडर वाइल कूल BS6 FI फेस टू वाला 4 स्ट्रोक 4 वाल्व हीरो कंपनी इसमें एक बेहतर क्वालिटी का इंजन इसमें दिया है।
वहीं हम इस बाइक की मैक्सिमम पावर की हम बात कर लें तो इस बाइक में आपको 18.83 bhp का मैक्सिमम पावर बाइक जनरेट करती है। वहीं इस बाइक की हम मैक्सिमम टॉर्क की हम बात कर लें तो मैक्सिमम टॉर्क इसमें आपको 17.35 nm का इसमें आपको मैक्सिमम टॉर्क ये बाइक जनरेट करती है। वहीं कूलिंग सिस्टम की हम बात कर लें तो इसमें आपको वाइल्ड कूल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और आप वहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको एक सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको डबल हॉर्न इसमें आपको नहीं मिलेगा। ये इसका कुछ कूलिंग सिस्टम हो गया वाइल्ड कूल का, जो आप देख सकते हो ये इसका कुछ क्रैश गार्ड हो गया। बाकी नीचे आप देख सकते हो इसमें आपको इंजन कवर्ड गार्ड इसमें दे दिया गया, जो कि इसमें आपको मेटल का ही मिलेगा, कोई फाइबर या प्लास्टिक का नहीं मिलेगा। वहीं ट्रांसमिशन टाइप की हम बात कर लें तो ये 5 स्पीड मैनुअल इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 1 डाउन हो गया और 4 अप है, 1 डाउन और 4 अप इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसका हो गया रियर फ्रंट फुटरेस्ट हो गया, ये इसका कुछ साइड स्टैंड हो गया, बाकी ये कुछ इसका देख सकते हैं बैक फुटरेस्ट हो गया, ये कुछ इसका साड़ी गार्ड हो गया। तो आप देख सकते हो ये अब यहाँ पर सीट काउल पैनल पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हीरो का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। बाकी ये आप देख सकते हो यहाँ पर भी एच का जो है स्टिकर मिल जाएगा, सेंटर पैनल में आपको एच का स्टिकर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको FI प्रोग्राम का स्टिकर देखने को मिल जाएगा, इस तरह का कुछ इसमें आपको फेस देखने को मिल जाएगा। ये एक्सपल्स का बैरिंग यहाँ पर, एक्सपल्स का जो है यहाँ पर आपको टैंक पर आपको इसका स्टिकर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 4V का भी स्टिकर यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें आपको E20 वाला अपडेट इसमें भी आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि सब नए बाइक में E20 वाला अपडेट मिल रहा है। यहाँ पर आप ये टैंक पैड देख सकते हो। बाकी इसकी हम सीट की बात करें तो ये सीट कलर आपको डुअल टोन में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी सीट इसकी सीट कुशनिंग काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बेहतर है। बाकी साइड से आप देख सकते हो ये टैंक पैनल पर कुछ एक्सपल्स का बैजिंग आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको 4V का भी बैजिंग मिल जाएगा, इधर भी आपको FI का बैजिंग मिल जाएगा। ये इसका स्पार्क प्लग हो गया, ये हो गया यहाँ पर कैटलिक कन्वर्टर जिसको बोलते हैं, ये हो गया इसका कैटलिक कन्वर्टर हो गया, इस पर आपको हीट शील्ड कवर हो गया, ये हो गया BS6 सेंसर वाला जो एग्जॉस्ट में दिया जाता है, ये जितने भी बाइक आ रहे हैं उसमें अब न्यू BS6 में आपको BS6 वाले में सभी में दिए जाते हैं। ये कुछ हॉर्न हो गया इसका, ये क्रैश गार्ड हो गया, ये हो गया इसका कुछ स्पार्क प्लग हो गया, ये हो गया किक पैडल हो गया, ये हो गया आपका ब्रेक पैडल हो गया, ये हो गया इसका फुटरेस्ट हो गया, ये हो गया रियर फुटरेस्ट हो गया, ये हो गया इसका मुफलर हो गया जिसको एग्जॉस्ट भी बोलते हैं, ये आपका हीट कवर हो गया जो कि ग्रे कलर में यहाँ पर दे दिया गया है। इसका एग्जॉस्ट जो है काफ़ी ऊपर दिया गया है, आप देख सकते हैं इस बाइक में एग्जॉस्ट काफ़ी ऊपर है। बाकी इसके हम बैक पैनल पर आ जाते हैं तो ब्रेक टेल लाइट की हम बात करें तो इसमें आपको LED में ही देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर नीचे भी आपको हीरो का स्टिकर मिल जाएगा। भाई साहब इसमें आपको हीरो की स्टिकर जो वाला जो बैजिंग है काफ़ी देखने को मिल जाएगा। वहीं इंडिकेटर की हम बात कर लें तो इसमें आपको हैलोजन देखने को मिल जाएगा दोनों साइड। नीचे आते हैं तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगवा सकते हो, नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह दे दिया गया, ये जो आप देख सकते हो नंबर प्लेट का यहाँ पर लाइट दे दिया गया है। तो पीछे से कुछ इस तरह का आपको बाइक का नज़ारा आप देख सकते हो, पीछे से कुछ इस तरह का बाइक देखने में लगती है। बाकी ये जो आप देख रहे हो ये ग्रे कलर का इसमें आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। इस बाइक में हम पेट्रोल टैंक कैपेसिटी की हम बात कर ले तो इसमें आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं हम रिजर्व फ्यूल की हम बात करें तो इसमें आपको 2.6 लीटर का आपको इसमें रिजर्व फ्यूल मिल जाएगा। वहीं माइलेज की हम बात कर लें, RVO द्वारा जो निर्धारित किया गया इस बाइक का, इसमें आपको 32.5 km पर लीटर इसमें आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा। वहीं ऑनर रिपोर्ट के माइलेज की हम बात कर लें तो इसमें आपको 40 km पर लीटर का इसमें आपको माइलेज देखने को मिल जाएगा। टॉप स्पीड हम इस बाइक की हम बात कर लें तो इसमें आपको 115 का इसमें आपको 15 km पर आवर का इसमें टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगा। बाकी इसी में आपको अपडेटेड लगेज पोर्ट दे दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा है इसमें। बाकी इसमें आप सामान वगैरह कैरी कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, पहले से काफ़ी अच्छा दे दिया गया है। बाकी ये बाइक जो आप ऑफ रोडिंग के हिसाब से लोगे तो काफ़ी बेहतर है। तो एक्सपल्स 200 का जो यहाँ पर जो देख रहे हो टू कलर में यहाँ पर मौजूद है,
एक टेक्नो ब्लू में और नेक्सस ब्लू में जो यहाँ पर मौजूद है। और ये अपनी पुरानी वाली हो गई, जो कि तीनों जो यहाँ पर मौजूद है आप देख सकते हो, ये स्टैंडर्ड वेरिएंट में मौजूद है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें पुरानी वाले में आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता था, इसमें आपको एबीएस वाले जो मोड नहीं मिलते थे, बाकी इसमें आपको कुछ जो इसमें आपको यहाँ पर आप नकल गार्ड देख सकते हो, नकल गार्ड में इसमें आपको यहाँ पर कवर अप नहीं मिलता था, बाकी बहुत कुछ इसमें आपको नहीं देखने को मिलते थे, जो कि इसमें अपडेट होकर इसमें आपको मिल गया है। इसमें चार्जिंग पोर्ट मिल गए हैं, इसमें आपको एबीएस मोड मिल गए हैं, बाकी इसमें नकल गार्ड मिल गए हैं, E20 का अपडेट इसमें आपको मिल गया है, OBD2 सेंसर का इसमें अपडेट मिल गया है। इसमें आपको E20 का अपडेट नहीं मिलता था, OBD2 सेंसर इसमें आपको नहीं मिलता था, बहुत सी चीज़ें हैं जो अपडेट करके ये स्टैंडर्ड मॉडल में ये दे दिया गया है। भाई हम एक्सपल्स के सीट की हाइट की हम बात कर लें तो इसमें आपको 850 mm का सीट हाइट देखने को मिल जाएगा। वहीं ओवरऑल इस बाइक की हम हाइट की हम बात कर लें तो इस बाइक में आपको 1258 mm का इसमें ओवरऑल हाइट देखने को मिल जाएगा। वहीं हम इस बाइक की फुल लेंथ के बारे में बात कर लें तो इस बाइक में आपको 2222 mm का इसका फुल लेंथ हो गया। चीज टाइप की हम बात कर लें तो ये आपको डायमंड ट्रिम में आपको देखने को मिल जाएगा ये बाइक आपको। बाकी ये जो बाइक आप देख रहे हो स्टैंडर्ड वेरिएंट में, तो इस बाइक की हम कीमत की बात करें तो एक शोरूम कीमत जो है 1,43,661 इसका जो है एक शोरूम प्राइस पड़ जाएगा। वहीं हम ऑन रोड प्राइस की हम बात कर लें तो 1,72,000 इसका जो है ऑन रोड प्राइस आपको पड़ जाएगा। दोनों कलर में आप देख सकते हो इस बाइक का ऑन रोड प्राइस और एक शोरूम प्राइस मैंने बता दिया। बाकी हम बात कर लेते हैं एड्रेस की, तो मैं अभी विजयनगर गाजियाबाद सम्राट चौक जो मेरठ एक्सप्रेस वे पर आप देख सकते हो बगल में मेरठ एक्सप्रेस वे मैं वहीं पे मौजूद हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना एक्सपल्स 204 वेरिएंट फुल डिटेल रिव्यू आप लोग को कैसा लगा। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना और भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना और ढेर सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।